बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन द नेम ऑफ अल्लाह हु इज़ द मोस्ट बेनिफिशिएंट एंड मर्सीफुल। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट, टुडे वी विल स्टार्ट द सेकंड सेशन फ्रॉम द चैप्टर नंबर 9 ट्रांसपोर्ट। चैप्टर नंबर 9 ट्रांसपोर्ट। इन सेशन नंबर 2 वी विल लर्न अबाउट द ट्रांसपायरेशन एंड व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपायरेशन। Factor affecting the rate of transpiration, transportation of food and water, pathway of water and food in xylem are not included in our syllabus. That's why we only learn transpiration and significance of transpiration. Okay student, page number 178, transpiration. In fourth line, the loss of internal water of plant in the form of vapors from the aerial part of plant is called transpiration. Yani water ka leaves ke zariye bahar nikalna, isko hum kya kahenge? Transpiration. Ab transpiration kyun ho rahi hai, kaise ho rahi hai? आप रिकॉल कीजिए, हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था कि वाटर इज़ कंटिन्यूसली एब्जॉर्ब फ्रॉम द रूट, रूट के ज़रिए एब्जॉर्ब हो रहा है, देन इट एंटर इनटू द स्टेम और स्टेम के बाद इट एंटर इनटू द लीव। अब यहाँ से वाटर क्योंकि कंटिन्यूसली बाहर निकल रहा है, दैट्स वाई वाटर जो है वो हमारे प्लांट के रूट के एंटर होता जा रहा है। अगर यहाँ से रूट लीफ से वाटर रिमूव ना हो तो ये सारा पानी जब एक दफ़ा फिल हो जाएगा तो मज़ीद पानी जो है वो एंटर नहीं होगा और ये हमारे प्लांट के लिए हार्मफुल है क्योंकि प्लांट नीड कंटिन्यूसली सप्लाई ऑफ मिनरल्स एंड आयन। ठीक है, इनको सिर्फ पानी नहीं चाहिए, इनको डिफरेंट मिनरल्स और आयन चाहिए। ठीक है, अंडरस्टैंड कर रहे हैं? सो यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दूंगी, जैसे स्ट्रॉ और आपके पास जूस मौजूद है। ठीक है, आपके पास एक ग्लास है और इस ग्लास के अंदर जूस है। आप जब इसके अंदर स्ट्रॉ रखते हैं तो ये बात आपने नोट की होगी कि जूस इस स्ट्रॉ के अंदर एक सर्टेन लेवल पे आके रुक जाता है, जूस ऊपर नहीं जा रहा है। लेकिन जैसे ही आप इसको यहाँ से सक करते हैं, ठीक है, जैसे ही सक करते हैं ये जूस ऊपर आना शुरू हो जाता है और ये जूस फिर इसके अंदर फिल हो रहा है। आप जितना सक करेंगे उतना जूस जो है वो ऊपर जाएगा। इट्स मीन कि इट नीड अ सक्शन। सेम प्रोसीजर जो है वो प्लांट के अंदर भी है। रूट के ज़रिए वाटर उस वक्त तक एब्जॉर्ब नहीं होगा जब तक के वाटर ट्रांसपायरेशन के ज़रिए लीफ के ज़रिए बाहर ना निकले। जितना पानी बाहर निकलेगा, जितनी ट्रांसपायरेशन ज़्यादा होगी उतना ही वाटर जो है वो प्लांट के अंदर एब्जॉर्ब होगा। आप डेफिनेशन को दोबारा पढ़िए। द लॉस ऑफ इंटरनल वाटर ऑफ प्लांट इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ प्लांट इज कॉल्ड द ट्रांसपायरेशन। अब ट्रांसपायरेशन होती कैसे, लीफ के हर जगह से पानी बाहर निकल रहा है? नो, पढ़िए क्या लिखा हुआ है। ट्रांसपायरेशन मेनली टेक प्लेस थ्रू स्पेशल पोर गार्डेड बाय अ स्पेशलाइज्ड गार्ड सेल कॉल्ड द स्टोमेटा। ठीक है, यानी लीव्स के पास एक ख़ास किस्म के सेल्स होते हैं जिसको हम कहते हैं स्टोमेटा, और स्टोमेटा के ज़रिए ये कंटिन्यूसली जो है वाटर जो है वो लॉस हो रहा है। अब आप आ जाइए, व्हाट इज़ स्टोमेटा, इसके लिए आप पेज नंबर 180 पे आइए। ठीक है, दिस इज़ अ डायग्राम, दिस इज़ अ डायग्राम। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपको डायग्राम के अंदर टू गार्ड सेल्स नज़र आ रहे हैं और इस वक्त स्टोमेटा जो है वो क्लोज है। इसकी एग्जाम्पल आप ले लीजिए, जैसे आपके घर का डोर है, ये डोर जो है वो क्लोज है, आप अंदर नहीं आ सकते, आप बाहर नहीं जा सकते। लेकिन जब ये गार्ड सेल टर्जेट होते हैं, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टर्जेट, यानी जब ये गार्ड सेल पानी से फिल होते हैं, पूरे भरे हुए होते हैं, तो ये ओपन हो जाते हैं और ओपन होने की वजह से इसमें से वाटर जो है वो लॉस हो जाता है। ये हमारे सिलेबस में नहीं है लेकिन मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रही हूँ ताकि आप अच्छी तरह समझ जाएँ कि ट्रांसपायरेशन कहाँ से हो रही है। ठीक है, जो मैंने अंडरलाइन किया है, फर्स्ट लाइन आप देखिए, द एपिडर्मिस सराउंडेड बाय टू किडनी शेप गार्ड सेल।
फिर आप फिफ्थ लाइन पे देखिए, द चेंज इन द ट्रेजिटी ऑफ गार्ड सेल कंट्रोल द ओपनिंग एंड द क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा. ठीक है, द ट्रेजिडिटी ऑफ गार्ड सेल इज रेगुलेटेड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन इट विच मेनली डिपेंड अपॉन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस. जितनी ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगी, जितनी ज़्यादा ट्रांसपारेशन होगी, उतना ज़्यादा जो है वाटर इनटेक होगा. द स्टोमेटा रिमेन ओपन ड्यूरिंग समर सनी डे एज अ रिजल्ट रेट ऑफ ट्रांसपारेशन इंक्रीज. जितनी ज़्यादा गर्मी होती है उतनी ज़्यादा ट्रांसपारेशन होती है और इसकी वजह से प्लांट के अंदर वाटर ज़्यादा एब्जॉर्ब होता है. मैं आपको एक लीफ शो कर रही हूँ. ठीक है, लीफ अगर आप देखेंगे तो लीफ के जो अपर साइड है इट इज़ वेरी शाइनी. ठीक है, और लीफ के अपर शाइनी होने की वजह यह है कि इसके ऊपर एक क्यूटिकल की लेयर होती है. लीफ को अगर आप उल्टा करके देखें तो लीफ का जो बैक साइड है वो बहुत ज़्यादा आपको रफ नज़र आएगा. ठीक है, क्योंकि बैक साइड पे यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टोमेटा होते हैं. वाटर वेपर जो है वो स्टोमेटा के ज़रिए बाहर बॉडी से बाहर एक्सक्रीट होते हैं. लेकिन ऐसे लीव्स को हम बाईफेशियल लीव्स कहते हैं और इसका अपर पार्ट आप देखें तो बहुत ज़्यादा शाइनी है. यहाँ पे स्टोमेटा बहुत कम होते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज पेज नंबर 181. व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपारेशन. ट्रांसपारेशन का प्लांट को क्या फ़ायदा हो रहा है. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप अंडरलाइन कीजिए टू लाइंस को. जी क्या लिखा हुआ है, ट्रांसपारेशन मेंटेन लो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर एंड हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन सेल दैट इज़ अ हाई सॉल्यूट पोटेंशियल. यानी जितनी ज़्यादा ट्रांसपारेशन होगी, पानी प्लांट से बाहर निकलेगा, प्लांट के सेल के अंदर सॉल्यूट ज़्यादा हो जाएगा, कंसंट्रेशन सॉल्यूट की ज़्यादा हो जाएगी और इसको हम क्या कहेंगे, हाई सॉल्यूट पोटेंशियल. और हाई सॉल्यूट पोटेंशियल की वजह से ट्रांसपारेशन ज़्यादा होगी, ट्रांसपारेशन पुल बनेगा और इस ट्रांसपारेशन पुल की वजह से असेंट ऑफ सैप होगा. व्हाट इज़ ट्रांसपारेशन पुल एंड व्हाट इज़ ट्रांसपारेशन असेंट ऑफ सैप, इसके समझने के लिए आप डायग्राम को देखिए. जी जितना ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब होगा रूट के ज़रिए, ये स्ट्रॉक एग्जांपल को जहन में रखिए, यहाँ से ऊपर से ट्रांसपारेशन हो रही है, जितना पानी लीव में से बाहर निकलेगा उतना ज़्यादा पानी जो है वो रूट के ज़रिए एब्जॉर्ब होता जाएगा. ठीक है, और एब्जॉर्ब होने की वजह से असेंट ऑफ सैप होगा और इस असेंट ऑफ सैप की वजह से जितना ट्रांसपारेशन पुल, यानी आप स्ट्रॉ को जहन में रखिए, आप जितना सक करेंगे उतना जूस आपके पास आ रहा है, इसी तरह जितना ट्रांसपारेशन पुल होगी, जितना ट्रांसपारेशन ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा असेंट ऑफ सैप होगा. सैप जो है ऊपर लीफ तक पहुँचेगा, इस तरह उसके पास आयन और डिफरेंट किस्म के मिनरल्स जो हैं वो बॉडी में एब्जॉर्ब होते जाएंगे. ठीक है, दिस इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन द ट्रांसपारेशन एंड द असेंट ऑफ सैप. जितना ज़्यादा ट्रांसपारेशन है उतना ज़्यादा असेंट ऑफ सैप हो रहा है. सो व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपारेशन. यस, सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपारेशन के लिए आप आ जाइए पेज नंबर 181, पॉइंट नंबर 1. आप खुद भी बता सकते हैं. जी जल्दी जल्दी बताइए मुझे. पहला पॉइंट तो मैंने बता दिया, जितना ट्रांसपारेशन होगा उतनी ज़्यादा असेंट ऑफ सैप होगा. नंबर 2, जी टेम्परेचर प्लांट का कम हो जाएगा, ठंडा रहता है प्लांट. और जी यस बिल्कुल राइट, स्टोमेटा ओपन और क्लोज जल्दी जल्दी होंगे. और स्टोमेटा सिर्फ पानी के लिए, वाटर के लिए नहीं ओपन और क्लोज होते हैं, यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज भी होता है. ओके, वन बाय वन हम रीड करते हैं. नंबर 1, By active transpiration, transpiration pull is created which help in the ascent of sap. Ascent of sap के लिए बहुत important है. Number 2, transpiration also increase the rate of absorption. जितना ज़्यादा transpiration होगा उतना ज़्यादा जो है वो minerals और water absorb होंगे. Number 3, ट्रांसपारेशन गेट रिड ऑफ एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर. जितना ज़्यादा पानी जमा हो गया है प्लांट के अंदर वो बॉडी से बाहर रिमूव हो जाएगा. फोर्थ पॉइंट, ट्रांसपारेशन हेल्प इन मेंटेनिंग द टेम्परेचर ऑफ प्लांट. देखिए ये बात आप यहाँ पे समझिए, अगर मैं आपको पूरे दिन धूप में खड़ा कर दूँ तो आपकी पूरी स्किन जल जाए, है ना, आपके अंदर वाटर की कमी हो जाएगी. लेकिन प्लांट तो ऐसा नहीं होता,
क्योंकि कंटिन्यूसली ट्रांसपारेशन हो रही है, उसके लीव्स जो है वो ठंडे रहते हैं, कूल डाउन रहते हैं, इसकी वजह से उनके जो लीव्स हैं वो जलते नहीं हैं, ख़राब नहीं होते, विल्ट नहीं होते। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि हम प्लांट को पानी देते रहें। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, जितना ज़्यादा पानी होगा गार्ड सेल उतने ज़्यादा टर्जिट होंगे। जी गार्ड सेल हमारे टर्जिट होंगे तो ये स्टोमेटा ओपन होगा, जब स्टोमेटा ओपन होगा तो ट्रांसपारेशन रेट जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। तो ये 5 पॉइंट है हमारे पास, ये 5 पॉइंट जो है इन्होंने इसकी सिग्निफिकेंस बताई है, फ़ायदे हैं, एडवांटेज है प्लांट को कि ट्रांसपारेशन होती रहे। लेकिन देर इज अ डिसएडवांटेज ऑफ ट्रांसपारेशन, मैंने पिंक कलर से अंडरलाइन किया और आपको ये बात मैंने पहले ही बता दिया कि अगर किसी प्लांट में समर डे में बहुत ज़्यादा ट्रांसपारेशन हो और आप पानी ना दें तो इस तरह प्लांट जो है वो डाई हो जाएंगे, प्लांट मर जाएंगे, डेथ हो जाएगी उनकी। एवरी ईयर नंबर ऑफ प्लांट डाई इन हॉट समर डे ड्यू टू एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट विच रिजल्ट इन द विल्टिंग एंड डिहाइड्रेशन एंड अल्टीमेटली मे लीड टू डेथ ऑफ प्लांट इन एक्सट्रीम कंडीशन। बहुत ज़्यादा गर्मी है, पानी नहीं दिया तो पौधे मर सकते हैं। सो इन द लास्ट 3 लाइन आपके पास एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी। एडवांटेज ये है ट्रांसपारेशन की कि उसको पानी मिलता रहता है, उसको मिनरल्स मिलते रहते हैं, उसकी स्टोमेटा का क्लोजिंग एंड ओपनिंग होती है, टेम्परेचर लो रहता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है कि अगर पानी कम हो तो वो प्लांट जो है वो मर भी सकता है। ठीक है, सो दिस इज़ द एंड ऑफ आवर लेक्चर। इसके अंदर हमने सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपारेशन पढ़ी है, सारे इसके फ़ायदे भी हैं और साथ साथ हमने आपको डिसएडवांटेज भी बता दिया है। ओके, आपके पास इसके लिए एक क्वेश्चन है, पेज नंबर जहाँ पे एक्सरसाइज है अगर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर फाइव पार्ट टू है, वाई ट्रांसपारेशन इज नेसेसरी फॉर प्लांट। Why transpiration is necessary for plant? और दूसरा क्वेश्चन आप खुद लिख लीजिए, क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है, What are the significance of transpiration? इन दोनों क्वेश्चन का आंसर सेम है पेज 181 पे। जी ये है, आप आंसर लिखेंगे transpiration is necessary for plant because, और ये 5 पॉइंट्स आप पूरे लिख लीजिएगा। और अगर आप सिग्निफिकेंस लिख रहे हैं तो आप पहली लाइन लिखेंगे द सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपारेशन आर, और फिर आप ये 5 पॉइंट्स पूरे लिख लीजिएगा। ठीक है, ये फ़ायदे हैं, एडवांटेज है, नेसेसरी है ट्रांसपारेशन। लेकिन अगर आपसे डिसएडवांटेज पूछ लिया है उन्होंने तो आप एक लाइन प्लीज़ ऐड कर लीजिए, ये 2 लाइनें पिंक कलर से जो मैंने लिखा, ताकि अगर डिसएडवांटेज आपके एग्जाम में आता है तो आपके पास कंप्लीट आंसर मौजूद हो। दिस इज़ द एडवांटेजेस और सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपारेशन एंड दिस इज़ द डिसएडवांटेज। ये पूरा आप यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको अपने आंसर में राइट कर लीजिएगा। स्टूडेंट आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। सेशन नंबर 2 में हमने 2 क्वेश्चन किए थे, सेशन नंबर 2 में हम 1 क्वेश्चन कर रहे हैं। ये तीनों क्वेश्चन आप प्रॉपरली कीजिए और डायग्राम जहाँ पे है वहाँ पे डायग्राम शो कीजिए, क्योंकि बायो में डायग्राम्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। आप ट्रांसपारेशन में यहाँ पे स्टोमेटा की डायग्राम भी बना सकते हैं, इसके अलावा आप इस तरह की डायग्राम भी बनाकर शो कर सकते हैं कि ट्रांसपारेशन जो है वो प्लांट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। प्लीज़ तमाम क्वेश्चन को बाय हार्ट इसको लर्न कीजिए। इंशाल्लाह जैसे ही स्कूल खुलेंगे, आपके प्रीलिम एग्ज़ाम होंगे, तो आप डेली बायो को पढ़ते रहिए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।